हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास फिफ्थ में ईवीएस में चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, एवी ड्रॉप काउंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिसाइड जैसलमार मैनी पैलेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल हियर। इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर, समटाइम्स नॉट हैवन दैट मच। द रिवर हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द ईयर। राजस्थान में जैसलमार के अलावा बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। तो सोचो, मोस्ट ऑफ द विलेज इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाज प्रीशियस। लेक्स एंड जोहर्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। यहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों नहीं रहती? क्योंकि लोग जानते थे बारिश की, हर एक की बारिश की कीमत जानते थे। ओके, तो पानी को इकट्ठा कैसा करना है वो ये सब सोचते थे, इस पर ध्यान देते थे। और पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ वगैरह बनाते थे। जोहड़ क्या होता है? देखो, सबकी ज़रूरत थी तालाब और जोहड़ की, सब मिलके बनाते थे। जोड़ होता है जिसको सब मिलके एक साथ बनाते हैं, मतलब ऐसे बना लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट की साइड से बने हुए नहीं होते हैं, गाँव वाले लोग बना लेते हैं, वो जोड़ होते हैं। ओके, वाटर वाज एवरीवन नीड, क्योंकि पानी सबकी ज़रूरत थी। वन एंड ऑल कम टुगेदर इन दिस वर्क टू बी अ बिजनेसमैन और अ लेबर। मतलब सब इसको साथ में मिलके बनाते थे, चाहे कोई बिजनेसमैन है, लेबर है, कोई भी है। Some water from the lake soaked into the ground and reached the wells and bavlis. Bavlis जानते हैं आप क्या होता है? देखिए, जोड़ तो वैसे होते हैं जैसे कि एक तरीके के तालाब हो गए जिनको लोग आगे इकट्ठा करके बनाते हैं, उनको जोड़ कहते हैं। बावली होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप वेल, इस टाइप की, जहाँ से पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और सीढ़ियों से इनसे उतर उतर के अपने पानी का जितनी ज़रूरत है, जो काम करना हो कर लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है बावली। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है, मतलब जैसे कि जोहड़ वगैरह बनाते थे सब लोग, तो सारा पानी जोहड़ में जब जाता था तो कुछ पानी को ना ज़मीन सोख लेती थी। ओके, ज़मीन सोख लेती थी, जो अब तो कुछ पानी उसमें से बावली में, कुओं में चल जाता था। क्योंकि ये जो पानी, ये देखिए, जो ज़मीन सोख लेती थी तो ज़मीन का पानी यहाँ पर आ जाता था बावली में, और बारिश का पानी भी कलेक्ट होता था यहाँ पर। ओके, और कुओं, फिर जो आसपास कुएं होते थे उनमें पानी चला जाता था, और उनकी हेल्प से वो कुओं से पानी बाद में निकाल लेते थे, क्योंकि ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती थी ना वहाँ पे, वहाँ की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, इसलिए उन गांव में पानी की कमी नहीं होती थी कभी भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और ऐसी चीज़ें बनाते थे जिससे पानी कलेक्ट हो जाए। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। और सभी घर में क्या था? बारिश का पानी इकट्ठा करने का एक साधन था, मतलब इंतजाम था उन्होंने किया हुआ था, जिससे पानी का, बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते थे। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रिच द अंडरग्राउंड टक ड्रा द पाथ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? ये छत है, छत पर पानी इकट्ठा हो रहा है। ओके, तो पानी इकट्ठा होके फिर क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे आ रहा है, मतलब कलेक्ट हो रहा है ना कलेक्ट। ये देखिए दिखाई दे रहा है, और फिर इसको कैसे यूज किया जा रहा है, टैंक तक पहुँच रहा है, फिर यूज कैसे कर रहे हैं, है ना, ये सब हो रहा है इसमें। टैंक में जा रहा है, फिर यूज किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, मतलब यूज हो रहा है पानी, बारिश का पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। अब आपको, आप ये बताइए, क्या आपने कभी बावड़ी देखी है? देखिए या नहीं देखी? ये देखिए जो आपको दिखाई दे रही है, हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? क्या आपने बावड़ी देखी है? लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्ट्रोक्स डीप। तो बावड़ी तो आपने, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, नहीं देखी होगी, पर क्या आप ये मतलब गैस कर सकते हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कितनी दूर तक जा रही है, कितनी मंजिल तक, मतलब अगर आप जाएंगे तो कितनी मंजिल तक चल के जाएंगे?
पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग यहाँ पे खुद जाते हैं, है ना, खुद पानी तक जाते हैं। ओके, और कुछ इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, इसलिए बिल्कुल कह सकते हैं सीढ़ीदार कुआं भी इसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप एंड रीच द वाटर, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। ओके, मतलब लोग बाग यहाँ पे खुद जाते हैं, यहाँ पे पानी खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी तक खुद चले जाते हैं। कुएं से तो पानी निकालना पड़ता है, खींचना पड़ता है, पर यहाँ पे खुद पानी के पास चले जाते हैं। लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नी विद द प्रवांट ऑफ एनिमल्स एंड गोल्स। पुराने ज़माने में क्या होता था, मतलब लोग बाग को अपनी जो यात्रा होती थी, जर्नी होती थी, उसको खुद ही चलना पड़ता था अपने एनिमल्स के थ्रू, जैसे कि क्योंकि पहले कुछ ऐसा कार बस स्कूटर ये सब तो थे नहीं, तो एनिमल्स ही थे, एनिमल्स के थ्रू लोग बाग अपनी यात्रा करते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवल्स, तो इसलिए सभी जब लोग बाग मतलब चलते रहते थे तो प्यास तो लगेगी, तो प्यासे को पानी पिलाने में सब बहुत ही पुण्य मानते थे और सब कोशिश करते थे कि प्यासे को जगह जगह पर रोक के पानी पिलाया जा सके। ओके, दस दे बोल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल, इसलिए राजस्थान के लोगों ने बहुत जगह मतलब जगह जगह पे बावड़ियाँ बनाई हुई थी, जिससे जो भी लोग आए वो पानी पी सकें, प्यासे ना रहें, इसलिए उनके लिए बनाई हुई थी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है, हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, इफ़ यस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, क्या मतलब तुम्हारे यहाँ कभी पानी की कमी हुई है, अगर हुई है तो उसका कारण क्या था, अगर हुई है तो आप बता देंगे। वैसे इसके आंसर्स मैं आपको लिखवा दूंगी, इसके इन क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग सोच के देखना है। ओके, एंड नेक्स्ट है, टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एलडी पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज, आपको मतलब अपनी ग्रैंड मदर या कोई भी जो मतलब पुराने ज़माने के हो उस पर्सन से आपको बात करनी है, अपनी दादी नानी या किसी और बड़े से, किसी से भी पुराने ज़माने नहीं कह सकते, बड़े से बात करनी है आपको, बात करो जब वह आपकी उम्र के थे तब क्या हुआ था, अब यहाँ पे देखते हैं, मतलब यहाँ पे आपको बात करनी है अपनी नानी से, दादी से, ओके, या किसी भी बड़े से, राइट, जब आपकी एज के थे वो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में है, आप तब घर में पानी कहाँ से आता था, क्या तब और अब में कोई चेंज हुआ है, तो चेंज देखिए बिल्कुल हुआ है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, राइट, तो फिर भी आपको मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ है ये आपको इसमें लिखना है। और स्टूडेंट्स आपको बताना है कि जो ट्रेवल करते थे मुसाफिरों के लिए पानी का किस तरह का इंतजाम होता था, जैसे कि प्याऊ मुस्क या कुछ और, आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं, ये सब उनसे आपको पूछना है और यहाँ पे लिखना है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।